हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ओके, इससे पहले हमने बात किया था राउल्स लॉ से संबंधित बात, इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्लास 12th का लेक्चर नंबर 8 होगा। हम सबसे पहले सॉल्यूशन को ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि CBSE का जो न्यू सिलेबस है उसमें सॉल्यूशन क्लास 12th का पहला चैप्टर है। ओके, सबसे पहले मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो शुरू करें। जो विद्यार्थी सवाल पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वो हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, आप जो क्लास में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, आप सवाल नहीं पूछते हो, आप मन में संकोच कर लेते हो कि मैं कैसे पूछूंगा, मुझे तो बेइज्जती हो जाएगा, सब जान जाएगा कि मुझे नहीं आता है। तो ठीक है, आप ये सब बात छोड़ करके पूछो, है ना। क्वेश्चन को आप आस्क करो। किससे करोगे आस्क? टीचर से, जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे पूछिए, जरूर पूछिए सवाल। ओके, मान लीजिए उस समय आप जब पूछेंगे तो बहुत वो छोटा सा क्वेश्चन हो, सब बच्चे हंसेंगे भी, लेकिन कितना? 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो हमेशा के लिए आप होशियार हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं पूछते हो, जितने क्वेश्चन आए मन में, डाउट बना हुआ है, नहीं पूछे नहीं पूछे, ढेर सारा डाउट हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए मूर्ख रह जाओगे। तो सोच लो, अब हमेशा के लिए तुम्हें मूर्ख बनना है या क्लास में 2 मिनट के लिए? पढ़ाई कीजिए, जो सर पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आप YouTube पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसको फिर से बता दीजिए, या आप फिर से रिकॉर्ड लेक्चर को देख सकते हो। देखो, जो मैं पढ़ाता हूं, जैसे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन अभी मैं बताऊंगा, आज हम बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, तो इसको मैं डिटेल पढ़ा दूंगा। उसके बाद तुम एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स देखो, फिर क्वेश्चन बना लो, हो गया। डाउट होता है फिर आप कमेंट करके पूछिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछना है, अगर आप नहीं पूछते हैं तो फिर मन में सवाल बना रह जाता है। ओके, जरूर पूछिएगा। शुरू करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आप भी लिख लो आइडियल सॉल्यूशन, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखो, दो कंपोनेंट को सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉलिड और सॉल्वेंट मिलाओगे, ठीक है। सॉलिड भी कंपोनेंट है और सॉल्यूशन भी कंपोनेंट, तो इसमें अगर दोनों का इंट्रैक्शन समान है तो कुछ भी चेंज होगा? नहीं चेंज होता है, तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरली हम बोल देते हैं सामान्य भाषा में कि द सॉल्यूशन व्हिच follows Raoult's law at all temperature and pressure. Temperature pressure क्यों temperature pressure? गैस थोड़े ना, लिक्विड है। तो the solution which follow Raoult's law क्या कहलाएगा? is called ideal solution. Ideal solution. Okay, ideal solution क्या होगा? जो Raoult's law को फॉलो करेगा उसको हम ideal solution कहेंगे। महत्वपूर्ण बात, ideal solution अगर Raoult's law को फॉलो करता है तो प्रेशर क्या होगा? इसके सारे पॉइंट्स को हम अंडरलाइन करेंगे एकदम अच्छे से। आप देखो, Raoult's law के अनुसार, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। ये ए बी क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है? प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। तो आइडियल सॉल्यूशन का भी प्रेशर क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, पहली बात। दूसरी बात, चलो इसके बारे में सारे पॉइंट हम अंडरलाइन करते हैं। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इसमें, देयर नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ
कंपोनेंट। आप जब आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम परिवर्तन जीरो के बराबर होगा, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट। मतलब डेल्टा एच मिक्सर भी क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ये सब बात ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद मेन पॉइंट जो इसमें आ जाता है, ये कोई डेविएशन नहीं शो करता है, इट डज नॉट शो एनी डेविएशन। चलो, अगर ये डेविएशन नहीं शो करेगा, मतलब डेविएशन का मतलब राउल्ट्स लॉ से ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा इसका ग्राफ। ग्राफ देख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास बताया था राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, सॉल्यूशन है तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और क्या होगा एक्स बी, सिंपल ऐसा ही ग्राफ होगा इसका। लेकिन कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर पी नॉट ए का वैल्यू किससे बराबर, एक मिनट, पी ए का वैल्यू अगर पी बी से बड़ा है तब इसका ग्राफ आप ऐसा बनाओगे। देखो इधर प्रेशर लेते हैं और इधर मोल फ्रैक्शन लेते हैं, इधर एक्स ए जीरो कर दो तो एक्स बी क्या हो जाएगा वन, इधर क्या हो जाएगा एक्स बी जीरो एक्स ए वन हो जाएगा, एक इधर इंक्रीज करेगा एक घटेगा, तो आप इसको इधर भी लिख लीजिए। पी ए बड़ा है ना, इस तरीके से यहां पे कौन आ गया पी नॉट बी, उधर एक्स ए वन है, इधर आ गया पी नॉट ए। अब इसको मिला दो तो देखो पी ए का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा आ गया, ये हो गया टोटल सॉल्यूशन का पी ए जोर पी बी, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक और ग्राफ इसमें बन जाएगा, दूसरा कंडीशन। ये सब आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मतलब राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहा है तो कोई चेंज होगा नहीं। दूसरा कंडीशन है कि पी बी का वैल्यू पी ए से बड़ा हो जाए तो कुछ भी नहीं, बस यही हो जाएगा। देखो इधर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। इधर ले लो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा वन, तो एक्स बी जीरो, चूंकि मोल अंशों का योग वन होता है, एडिशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू वन। और जैसे जैसे हम इधर इंक्रीज करेंगे लेफ्ट वो राइट की ओर बढ़ेंगे तो एक्स ए इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, एक का वैल्यू घटेगा तो एक का बढ़ेगा। दोनों सॉल्यूशन है, दोनों कंपोनेंट का है, तो दो लाइन खींचेंगे ऊपर में, है ना। फिर इसको देख लो, इस तरीका से मिला दो, एक्स ए वन है तो यहां पर आ जाएगा पी नॉट ए। हमें करना है इस बार पी बी को बड़ा करना है, पी बी वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा लेना, इधर कर दो, ये हो जाएगा हमारा क्या पी नॉट बी। और इधर इस लाइन को आप मिला दो, थोड़ा सा नीचे आ जाना, हल्का सा टेढ़ा होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर नहीं होगा ना। इधर हो गया हमारा पी एस बराबर क्या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरीका से हो गया। ये हो गया हमारा किसका ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन का। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या, अब मेन बात जो है कंडीशन क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यहां पर हम लिखेंगे कंडीशन टू बी आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन टू बी आइडियल, कंडीशन टू बी आइडियल सॉल्यूशन। पहली बात तो देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ए को मान लेते हैं हम सॉल्यूट है
और बी के अव्यवीकन को सॉल्वेंट को मान लेते हैं कि सॉल्वेंट के अव्यवीकन जो है वो बी के है। अब एक कंटेनर ले लो इस हिसाब से। अब कंटेनर में क्या करो तुम, बिलियन है, इधर इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में क्या है, ए है और प्लस बी है, वेपर तो बनेगा। वेपर को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, चलो इस कलर से दिखा देते हैं कि ये हमारा वेपर बन रहा है, ठीक है, ये वेपर बन गया। अब ध्यान दो इसमें टोटल टाइप का इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं फोर्स अकर्स इन सॉल्यूशन, फोर्स अकर्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितने प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो देखो सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के अभी अभी कण है तो इसमें ए ए टाइप इंट्रैक्शन लगेगा, ए ए टाइप इंट्रैक्शन या फोर्स इसको कह लो तुम। सॉल्वेंट के भी अभी अभी कण है इसमें, तो सॉल्वेंट वाला में बी बी टाइप इंट्रैक्शन काम करेगा, यहां पे होगा ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो फोर्स काम करेगा, और सॉलिड सॉल्वेंट मिल गया है तो अब सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन के लिए भी ए बी टाइप इंट्रैक्शन काम करेगा। अब आइडियल सॉल्यूशन होगा कब, तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन ए बी टाइप इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए एंड बी बी टाइप इंट्रैक्शन, समझ गए बात, मतलब दोनों इंट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, और बराबर है तब वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर बराबर नहीं है तो फिर वो नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन, फिर वो नहीं होगा। मतलब क्या है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन हम यहां पे लिख सकते हैं, फॉर आइडियल सॉल्यूशन ए ए टाइप इंट्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन एंड बीवी टाइप इंट्रैक्शन इज सिमिलर टू एबी टाइप, एबी टाइप का मतलब हुआ सॉल्यूशन वाला, एबी टाइप इंट्रैक्शन, ओके। और जब ये बराबर है मतलब क्या हुआ, इसमें All interaction should be equal, और equal है तो ideal solution हो गया, A type, BB type और AB type, मतलब solute के अभी कणों का interaction, solvent के अभी कणों का interaction बराबर होने चाहिए सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है उसके इंट्रैक्शन के अगर बराबर होने चाहिए। इसके एग्जांपल्स देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जांपल्स याद रखना। पहला इथेन का और प्लस प्रोपेन, देखो दोनों क्या है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और जो अगला बिलियन बनेगा वो भी नॉन पोलर होगा, मिलाने के बाद जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो भी नॉन पोलर, तो ये भी हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। चलो दूसरा एग्जांपल समझो, दूसरा में हो जाएगा तुम्हारा एग्जांपल्स, कोई भी सेम नेचर के ले लो, C2H5 प्लस C2H5Br, देखो यहां भी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है, देखोगे इसमें तो CH3 CH2 और आयोडीन होगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस ओर जाएगा, यहां पर क्या हो गया डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन काम करेगा, और ये इक्वल होगा किसके, तो CH3 CH2 और बी आर, निगेटिव और यहां क्या पॉजिटिव, यहां भी क्या हो गया सेम फोर्स डाइपोल डाइपोल
इंट्रैक्शन, और दोनों सेम है, सेम हो गया तो क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। एक और देख लो, तीसरा, अच्छा मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तीसरा हो जाएगा देखो, जिसमें जिसमें सेम नेचर के हो, मिथेनॉल प्लस CH3CH2OH इथेनॉल, इसको मिथेनॉल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत आसान है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी, इसमें भी कोई भी वो कठिन नहीं है, जो राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखो, अगर राउल्ट्स लॉ के फॉलो नहीं करेगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा या तो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, पी नॉट बी एक्स बी से, एक तो ये कंडीशन है, और नहीं तो दूसरा कंडीशन है कि जो बिलियन का प्रेशर होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, यही कंडीशन है। अगर इक्वल होता है तो आइडियल, नहीं इक्वल है तो या तो ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा, है ना। और ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और कम होता है तो निगेटिव डेविएशन शो होता है। पहले इसके बारे में हम पॉइंट लिख लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी एक एक पॉइंट तो लिख ही लिया है। चलो ये हमारा पहला हॉट पॉइंट हो गया। चलो देखो, तीर के निशान को हम हॉट पॉइंट कहते हैं, अब इससे याद रखना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब इसमें हम मिक्स करते हैं ना कंपोनेंट को, तो एंथैल्पी वॉल्यूम ये सब चेंज हो जाता है। लिखेंगे देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब क्या, अगर चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जीरो के बराबर नहीं है, ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। इसी प्रकार सिमिलरली एंथैल्पी देयर इज चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी भी चेंज हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इक्वल टू नॉट जीरो। उसमें चेंज नहीं हो रहा था तो जीरो के बराबर चेंज था, इसमें चेंज हो रहा तो जीरो के बराबर नहीं होगा। ये सब छोटा छोटा बात है इसमें। अच्छा एक बात और, अगर हम कंडीशन की बात करें कि क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, देन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और इसके एग्जांपल्स की बात करोगे, पहले इसका ग्राफ देख लो। नहीं, ग्राफ से पहले कंडीशन, इट शोज डेविएशन, ये डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करेगा। डेविएशन क्यों शो करेगा, तुमने यहां पे देखा ना कि एक ग्रेटर हो जा रहा है, एक स्मॉल हो जा रहा है, कितने टाइप का डेविएशन, देयर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन,
पहला हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इस बात को समझो। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन का जो इंट्रैक्शन होगा ना, जैसे देखो इसमें क्या है, ए है सॉल्यूट है, बी क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और दोनों को जब मिला दिए तो ए भी क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, जो वेपर प्रेशर जो बिलियन का है प्रेशर, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ए बी से, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट से। एक तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे, अगर हम इस सॉल्यूशन को इस तरीका से तुम समझना चाहोगे तो समझ सकते हो, ये सॉल्यूशन है ठीक है, और सॉल्यूशन में जो अभी कण है ए बी, इसका अगर इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए तो ये आसानी से वेपर प्रेशर में जाएगा। वेपर प्रेशर में तो नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर इसका नहीं बनेगा, मतलब वेपर नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा तो भी इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी का इंट्रैक्शन वीक है, बिल्कुल वीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आसानी से बनाएगा वेपर को, है ना, ये वेपर में आसानी से जाएगा, और वेपर जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी टाइप इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए टाइप एंड ए टाइप एंड बी बी टाइप इंट्रैक्शन। सीधी सी बात है कि विलयन में जो भी अवयव है उसका इंट्रैक्शन वीक है, और वीक होगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसा हो जाएगा ठीक है। और इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले का ग्राफ, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो बिलियन का टोटल प्रेशर है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी से बड़ा है, सिंपल इस तरीका से होगा। जो तुमने राउल्स का खींचा था उसका खींच लो, जीरो तो एक्स बी क्या होगा, वन। अब इधर एक्स ए वन तो एक्स बी जीरो, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन है, इधर क्या है प्रेशर है। यहां पे देखो एक्स बी वन है, मतलब इस तरीका से जाएगा, ये तो राउल्स लॉ हो जाएगा, पी नॉट बी इधर हो जाएगा हमारा पी नॉट ए, और इसको मिला दोगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा टोटल क्या सॉल्यूशन का। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है तो सब ऊपर से जाएगा, हम नेक्स्ट कलर से लिख रहे हैं, देखो पॉजिटिव डेविएशन है तो ये इस प्रकार से जाएगा, फिर इसके ऊपर से जाएगा, ये यहां से आएगा, और बिलियन का भी ग्राफ ज्यादा होगा तो इसको बोलेंगे हम पी एस ग्रेटर देन पी ए जोर पी बी, ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, सब इसके ऊपर से चला जाता है ठीक है। अब समझते हैं निगेटिव डेविएशन, नंबर बी में था हमारा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सिंपल ए टाइप इंट्रैक्शन ए टाइप ए टाइप एंड बीवी टाइप इंट्रैक्शन इज वीकर देन, अब ये वीक हो जाएगा, देन ए बी टाइप, ए बी का मतलब क्या सॉल्यूशन वाला, ए बी टाइप इंट्रैक्शन। अब ऐसा अगर स्ट्रांग हो जाएगा इंट्रैक्शन, अगर स्ट्रांग है तो होगा ये कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो पी ए जोर पी बी से क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, सिंपल है। और इसके एग्जांपल्स भी लिख सकते हो निगेटिव डेविएशन का, पहले तो पॉजिटिव डेविएशन के लिख लो एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे तुम्हारे
ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4 प्लस CHCl3, क्लोरोफॉर्म पोलर नेचर का, ये नॉन पोलर नेचर का, ये भी हो जाएगा। उसके बाद H2O प्लस इथेनॉल, एक न्यू फोर्स बन जाएगा H बॉन्ड, ये भी हो जाएगा। निगेटिव डेविएशन का भी हम देख लेंगे एग्जाम्पल। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम, ग्राफ कहां पे बनाए, चलो इसमें इसका ग्राफ देख लेते हैं, आज एजियोट्रॉप्स इसमें नहीं हो पाएगा। निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, निगेटिव डेविएशन के लिए हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन का जो होता है प्रेशर वो पी ए जोर पी बी से कम होता है। सिंपल, जैसे आप खींच लो, इस तरीका से इधर हो गया हमारा, इधर दे दो एक्स ए वन एक्स बी जीरो, आप किसी को भी ले सकते हो, एक्स ए जीरो तो एक्स बी वन, ध्यान रखना जो इधर वन होगा वही इधर जीरो हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींच दो इस हिसाब से, इधर हो जाएगा पी नॉट ए, इधर हो जाएगा पी नॉट बी, और ये राउल्स के अनुसार इस तरीका से सॉल्यूशन का है, पी ए जोर पी बी, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो देखो निगेटिव डेविएशन में सब नीचे से चला जाएगा, ये ऊपर से गया था इसमें नीचे से चला जाएगा इस हिसाब से, फिर इसमें ये नीचे से आ गया, आ गया, और इसमें फिर ये नीचे से आ गया, आ गया, इस हिसाब से आ गया, ये यही हो जाएगा निगेटिव डेविएशन का। बहुत इजी होता है इसमें, फिनॉल प्लस, इसके एग्जांपल्स में बेस्ट एग्जांपल्स है फिनॉल प्लस एनिलीन, एनिलीन का ये हो जाएगा। चलो तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एजियोट्रॉप्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट किया और वो क्यों डेविएट करता है इसको भी हमने देखा। डेविएशन का कारण यही था कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग है तो नेगेटिव डेविएशन, सिंपल याद रखना, और अगर सॉल्यूशन का इंटरेक्शन वीक है तो पॉजिटिव, ये क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स को, पढ़ते हुए एजियोट्रॉप्स भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आ ही जाता है एग्जाम में, और इसके एग्जाम्पल्स को भी, ये भी दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सर हो जाता है और फिर एक हो जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सर, ठीक है। तो इसको देखते हुए और हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी को ही कवर करने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए हम जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए जो भी यूजफुल है हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें कुछ और नया करने का कुछ मतलब नया करने का और एनर्जी मिलता है। तो थैंक यू।